रचित सुसमाचार उसका 18 अध्याय 18 से हम 18 का 1 से लेके हम 4 तक हम पढ़ते हैं। यहाँ लिखा है 18 का 1 से 4 तक। उस घड़ी चेले यीशु के पास आकर पूछने लगे, स्वर्ग के राज्य में बड़ा कौन है? इस पर उसने कहा बालक को पास बुलाकर उनके बीच में खड़ा किया और कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक तुम न फिरो और बालकों के समान न बनो, तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने नहीं पाओगे। जो कोई अपने आप को इस बालक के समान छोटा करेगा, वो स्वर्ग के राज्य में बड़ा होगा। और जो कोई मेरे नाम से एक ऐसे बालक को ग्रहण करता है, वो मुझे ग्रहण करता है। आमीन। आमीन। यहाँ से बोलने का टॉपिक मैं लेता हूँ, हमें यीशु के पास आने वाले लोगों को दीन होना बहुत जरूरी है, मन में दीन। और मत्ती रचित सुसमाचार 5:3 में बोला है यीशु प्रभु ने, और यहाँ भी बोला है, जो धन्य है वो लोग जो मन के दीन है। क्योंकि यहाँ यीशु के चेले आपस में बात कर रहे थे, बात करते करते बात को विवाद बना दिया और चेले लोग बोले हम उसी से पूछते हैं, और यहाँ यीशु प्रभु जवाब देते हैं, एक बालक को खड़ा कर कर और उन्हें बताते हैं कि समझाते हैं कि जो स्वर्ग के राज्य कैसे लोगों के लिए है। क्योंकि हम इस अध्याय से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, क्योंकि महान और इसमें क्षमाशील होने पर दिया गया है उद्देश्य। क्योंकि जो अपने आप को मसीह में है, जो यीशु प्रभु में है, वो राजा के उसमें जो है चेले हैं, उन्हें अपने चेलों को नर्म होने के बारे में और दीन होने के बारे में यह शिक्षा दे गया है। यानी कि बालक उनके सामने जो एक आपस में लड़ रहे थे, झगड़ रहे थे, बड़ा कौन है बोलकर, तो यीशु प्रभु ने एक बालक को उठाया और वहां पर एक एग्जांपल दिया कि इस बालक से हम कुछ सीखे। क्योंकि बड़े लोग जो अब जवान, अब चेले तो बड़े बड़े जवान थे, 22 साल 20 साल है ना, 22 साल 25 साल ऐसे ऐसे चले थे, लेकिन उनको प्रभु को दास होकर एक आपस में बात विवाद करते हुए शोभा नहीं देता। इसलिए एक बालक को खड़ा किया और ये बालक की समान बनो। क्योंकि हमें लड़ाई झगड़ा करने में सिहाने बनना चाहिए, समझदार बनना चाहिए। क्योंकि एक बालक का एग्जाम्पल क्यों दिया, क्योंकि बालक सुबह को लड़ते हैं, फिर आधा घंटे में फिर बच्चे वही मिलकर खेलते हैं, मिलते हैं, क्योंकि वो मन में नहीं रखते, वो मन के दीन है, भूल जाते हैं थोड़ी देर पहले किया हुआ था। इसलिए प्रभु यीशु ने बालक को खड़ा किया, हमें इस बालक से सीखना चाहिए कि हमें एकदम मिलकर रहना चाहिए। इसलिए पहला कुरुन्थी 4:20 में लिखा है, हे भाइयों, तुम समझ में बालक बनो, बुराई में तो बालक रहो, परंतु समझ में सियाने बनो। क्योंकि हमें समझ में, हम कभी भी एक आपस में अब शोभा नहीं देता है, क्योंकि मसीह लोग जो प्रभु के लोगों को छोटी छोटी बातों में बहस करना, झगड़ा करना बिल्कुल भी शोभा नहीं देता, यह पौलुस कह रहा है। इसलिए लड़े समझ में हम बालक बनना चाहिए, लेकिन बालक परंतु समझ के लिए सियाने बनना चाहिए, समझदार। यीशु की बात को, यीशु ने जो बातें सिखाई उसे सीखना चाहिए और हमें सियाने यानी कि समझदार लोग बनना चाहिए। क्योंकि जो बात होती है भूल जाइए, मिट्टी डालिए, उसे मत उतारिए। क्योंकि अगर उतारेंगे तो हमें कोई लेटरिंग या उसमें मिट्टी डालने के बाद उस खुशबू गंध जो कि खत्म हो जाता है, फिर उसको फुरुदेंगे तो वह और भी ज़्यादा गंध फैलेगा।
इसी ही है कि हमें बात को विवाद नहीं करना चाहिए, हमें मिट्टी डालना चाहिए, भूल जाना चाहिए क्योंकि क्या हुआ था, फिर से शुरू करें, मेरा भाई अच्छा है, मेरे लिए अच्छा बोला है बोलकर यहाँ हमें प्रभु सिखाते हैं। तो मती 11 का टस में प्रभु ने सिखाया, फिर मेरा जुआ मती 11 के 29-28 में लिखा है, जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नर्म और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्वास पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। अगर हम यीशु प्रभु की शिक्षा को लेते हैं मन में, अगर हमारे हृदय में यीशु की शिक्षा है, तो हमें कोई भी बात, कोई भी शिक्षा हमें भारी नहीं लगेगा, एकदम हल्का लगेगा। भारी उसी को लगेगा जो प्रभु की बात को नहीं समझते हैं, प्रभु की शिक्षा को नहीं लिया है, उनके लिए बहुत बड़ा लगेगा, बोझ लगेगा। इसलिए प्रभु ने अपने ऊपर लेकर बोला, मन में जैसे जैसे बोला है ना यहाँ पे, नर्म और मन में दीन हो और तुम अपने मन में विश्वास पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ बहुत ही हल्का है। बोलकर यहाँ हमें प्रभु यीशु सिखाते हैं हमें दीन होने के लिए। और वही बात हमें फिर भजन संग्रह में भजन संहिता 131 के 2 में लिखा है, निश्चय मैंने अपने मन को शांत और चुप कर दिया है, जैसा दूध छुटाया हुआ लड़का अपनी माँ की गोद में रहता है वैसे ही दूध छुटा हुआ लड़के के समान मेरा छुटाए मन भी रहता है। हमें यहाँ भी बच्चे से जब भोग लगता है तब बच्चा रोता है, लेकिन माँ जब दूध देती है वो शांत होता है, और दूध छुटाए बच्चा एकदम सियाने होते हैं, समझदार होते हैं। इसलिए मती 10:40 में जो लिखा है, जो तुम्हें ग्रहण करता है वो मुझे ग्रहण करता है, और जो मुझे ग्रहण करता है वो मेरे भेजने वाले को भी ग्रहण करता है। बोलकर यहाँ प्रभु ने बहुत दीनता के बारे में हमें सिखाया है। आज हमें सच में हमें छोटी मोटी बात पर बिल्कुल बात विवाद नहीं करना चाहिए, हमें मिलकर मन में दीन होकर, और प्रभु ने यही कहा है, जो धन्य है वो लोग जो मन के दीन है, क्योंकि वो स्वर्ग के राज्य में होंगे। और यहाँ स्वर्ग के राज्य में वही बड़ा है, प्रभु ने सिखाया है कि वही बड़ा है जो मन के दीन है, और धन्य है वो जो मन के दीन है, वो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेंगे। बोलकर प्रभु ने शिक्षा दी है। तो ये वचन आपके लिए, मेरे लिए है, और इस वचन के द्वारा सबको आशीष मिले आज के शुभ दिन। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। Thank you.